कौन थे लाफिंग बुद्धा, क्या है इनकी हंसी का राग। बौद्ध गुरुओं की ही तरह लाफिंग बुद्धा के भी अनुयायियों ने इनके एकमात्र उद्देश्य को देश दुनिया में फैलाया। खास बातें, चीन में धन के देवता लाफिंग बुद्धा, गुडलक लाने के लिए रखे जाते हैं लाफिंग बुद्धा, जापान से आए थे लाफिंग बुद्धा। आपने लोगों को घरों और ऑफिसों में लाफिंग बुद्धा को रखे देखा होगा, पोटली के साथ, टोकरी के साथ, दोनों हाथों को ऊपर किए, बहुत सारे हाथों वाले, हाथों में माला लिए, ऐसे कई अलग अलग आकार और प्रकार के लाफिंग बुद्धा को लोग अपने पास रखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ये कौन है और कहां से आए हैं? आखिर लोग क्यों इस हंसते हुए आदमी की मूर्ति को गुड लक लाने के लिए रखते हैं? फेंग शुई टिप्स, जूतों के साथ घर में नहीं करना चाहिए प्रवेश, बढ़ सकता है चिंता और तनाव। बौद्ध धर्म के ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोग संसार की सारी मोह माया छोड़ ध्यान में लग जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिसने भी ज्ञान की प्राप्ति कर ली वह बौद्ध कहलाता है। घर, ऑफिस और दुकान, इसलिए रखे जाते हरे पौधे और फूलों के गमले। महात्मा बौद्ध के कई शिष्य थे, उनमें एक थे जापान के होतोई। ऐसा माना जाता है कि जब होतोई ने ज्ञान की प्राप्ति करी और तब से वह जोर जोर से हंसने लगे, तभी से उन्होंने अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य बनाया लोगों को हंसाने और दुख देखना। होतोई जहाँ भी जाते वहाँ लोगों को हंसाते, इसी वजह से जापान और चीन में लोग उन्हें हंसता हुआ बुद्धा बुलाने लगे, जिसका अंग्रेजी में अर्थ है लाफिंग बुद्धा। बाकी गुरुओं, लाफिंग बुद्धा के भी अनुयायियों ने इसके एकमात्र उद्देश्य को देश दुनिया में फैलाया। बहते पानी का चित्र लगाने से घर में आती है शांति और खुशहाली। चीन में उनके अनुयायियों ने इसका इस कदर किया प्रचार, वहाँ के लोग लाफिंग बुद्धा को भगवान मानने लगे। वहाँ लोग इनकी मूर्ति को गुड लक के तौर पर घरों में रखने लगे। जिस प्रकार भारत में धन के देवता कुबेर को माना जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में लाफिंग बुद्धा को सब कुछ माना जाता है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।